मैं बना रही हूँ यहाँ पे कस्टर्ड, और मेरी आदमी खाला की बेटियाँ दोनों, उनके बच्चे हैं साथ। खाए कि मैंने बनाई थी स्कूल से निकलते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लाइफ विद सैदा काज़मी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। खुद आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आपको अपनी फैमिली के साथ ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करें। तो जनाब, ये हफ्ते वाले दिन का व्लॉग है जिसमें आ रहे थे घर में कुछ मेहमान, और मेहमान कौन थे? बोलते मेरी खाला की जो दो बेटियाँ ना वो आ रही थी, यानी मेरी दोनों कज़न्स, और उनके बच्चे भी थे साथ, जिनमें से एक कज़न तो मेरी बिल्कुल फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रही हैं। तो जनाब, यहाँ पे खाने में जो है ना वो मैं यहाँ पे एक तो सबसे पहले ट्राइफल बना के रख रही थी, क्योंकि गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है बस, और इसी में जो है ना मुझे मैनेज करना था। 2 घंटे से मतलब ये कि जो 12 से 2 बजे तक रहती है ना, तो उसी टाइम में मैं खाना बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने साथ ट्राइफल भी जो है ना वो बना के रख लिया था, और इसके साथ जो है ना मैंने चिकन हांडी भी रख ली थी कि ये जो है मेरा काम है ना, मैंने कही कम से कम पूरे 2 बजे जो है ना गैस बंद हो जाती है, तो मुझे था मेरा ये काम ख़त्म हो जाए, और मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे तक जो है ना वो आ जाना था सब ने। मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी में बस जो है ना प्याज टमाटर और अदरक लहसुन सारा कुछ चॉप करके ना इकट्ठा ही जो है बस मैंने डालने की थी कि जो है मैं एक साथ ही डाल दूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और खाना जो है ना वो टाइम से बन जाए। और काम करते साथ साथ जो है ना वो किचन में इतना कोई मैस था ना, क्योंकि उस टाइम मैं साथ साथ समेट नहीं थी रही, मुझे था कि बस मैं पहले काम कर लूँ तो बाद में जो है ना वो सारा किचन भी समेट लूँगी, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो किचन में मैस क्रिएट हो गया था, वो भी आगे आपको वीडियो में नज़र आएगा। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया था बस मैं, और इसको मैं जो है ना वो अच्छी तरह से फ्राई कर भून रही थी, और जो कस्टर्ड है ना वो मैंने बना के खुरम को दिया था कि आप इसको ना ठंडा करें, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें ताकि वो जो है ना वो जम ना जाए। तो फिर जो है ना साथ साथ मैंने वो ट्राइफल में भी बाकी चीज़ें जो है ना हल्का ठंडा करके उसको डाल के फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया था। और फिर काम करते दौरान ना ये हालत थी किचन की, मुझे इतनी उलझन हो रही थी, अब बस मुझे था कि फटाफट जो है ना काम सिमट जाए। और जनाब, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना वो लास्ट पे बस थोड़ा सा ही काम रह गया था, क्रीम डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था, और ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो गया था मेरा सारा काम खाने का। ऑलमोस्ट खाना शाना भी बन गया, बस अब मेरा था किचन साफ़ करने वाला काम रह गया था, वो भी तकरीबन हो गया। पहले मैंने आपको सारा किचन दिखाया था ना, तो फाइनली सारा किचन मैंने साफ़ कर लिया, बर्तन शर्तन भी सारे धुल गया। मेरी मम्मी कहती होती थी कि जब भी किचन से काम करके निकलो ना तो पता ही ना चले कि कोई काम किया, तो मैंने ना साथ साथ सारा किचन भी साफ़ कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम मेरा हो गया, खाना भी रेडी हो गया और सब कुछ बन गया। मेरे कमरे का काम रह गया, मैं जल्दी से जो है ना वो रूम भी जल्दी से साफ़ कर लूँ, कुछ बेडशीट्स चेंज करनी है तो वो भी कर लूँ ताकि काम जो है ना ख़त्म हो जाए थोड़ी देर में, मेरा ख्याल 1 घंटे तक वो लोग पहुँच जाएंगे। और खाना भी तकरीबन रेडी है। रो ले आस्था, इधर बैठना, इधर बैठ दो, इधर बैठ दो। और तकरीबन 3:30 4 हो गए थे, सबको भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, हमने खाना जो है ना वो बस जल्दी से रखा कि खाना शाना खाते हैं। और बच्चे क्योंकि सारे जो है वो आपको पता ही है, जहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पे फिर जो है ना वो बड़ी मुश्किल से बच्चों को वो कहना पड़ता है खाना शाना खा लो। अब बच्चों को सिर्फ ये था कि हम लोग जो है ना वो बस खेलें, और खाने का हमें कोई ना कहे। मैं बाद में बोलूंगी, वीडियो तो बनाई, वीडियो बन रही है, देखी थी आपने जिसमें आपकी मैंने बनाई थी स्कूल से निकलते हुए। हमें कितनी था आ रहा, फिर जो है ना सना बाजी ने टिक्का पुलाव ही बना लिया था रात के खाने के लिए, और यहाँ पे जो है ना वो बन रहा है। हाँ वो अरीशा को ना प्लेन वाले वो डाल दे। हाँ
तो जनाब इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग जो है पसंद होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, नहीं देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।